अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट, एंड ये सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, और जनरल रीडर के लिए भी इसकी खास इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जितनी ज्यादा इसकी डिजायर या कैपेबिलिटीज होंगी उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा इन पर्सनैलिटी, इन डिफरेंट फील्ड। तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। ये जो चैनल है इसका मकसद आपको घर बैठे गाइडेंस फ्राहम करना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की टिप्स भी हैं जो कि आपको काम आती हैं, और इसमें इनोवेटिव वेज हैं हाउ टू कवर दी सिलेबस, हाउ टू रीड इफेक्टिवली। जैसा कि ये वाला जो आज का हमारा टॉपिक है, ये जनरल टिप्स के बारे में है और स्पेशली लर्निंग के बारे में है, जनरल लर्निंग भी और जो स्पेसिफिकली सीएसएस और पीएमएस के बारे में है उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। यू वुड लव दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों को जानवरों से जुदा करती है। जानवर क्या होते हैं, या परिंदे या जितनी भी मखलूकात हैं, उनके अंदर अगर कोई लर्निंग की सलाहियत होती है तो वो इनबॉर्न होती है। और मसलन एक परिंदा जब पैदा होता है तो उसको फ्लाइंग उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसने फ्लाई करना है, तो वो सिर्फ फ्लाइंग की कैपेसिटी ही डेवलप करता है क्योंकि उसके जीन्स फ्लाइंग को अलाउ करते हैं। तो इसके अलावा वो अक्वायर्ड लर्निंग उनकी कोई नहीं होती। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो कि किसी हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे अक्वायर्ड लर्निंग करते हैं। बाकी जो जितने और जानवर हैं या परिंदे हैं वो अक्वायर्ड लर्निंग की सलाहियतों से महरूम होते हैं, सिवाय कुछ चंद एक, जैसे किसी हम तोते को बोलना सिखा दें या किसी बंदर को कोई खास किस्म की करतब सिखा दें तो वो जो उसकी अक्वायर्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन इंसान की जो अक्वायर्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये चीज़ क्या है, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल एंड बर्ड्स। अच्छा, ये ना सिर्फ इंसानों को दूसरे मखलूकात से जुदा करता है बल्कि इंसानों के दरमियान भी डिफरेंस क्रिएट करता है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी होगी, डिज़ायर होगी, उतना ज़्यादा वो इंसान शाइन करता जाएगा, राइज करता जाएगा। और जो लोग ज़रा कम लर्न करते हैं या लर्निंग नहीं करते, जिनकी लर्निंग स्लो होती है या जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो पीछे रह जाते हैं जिंदगी की दौड़ में। वाई लर्निंग इज सिग्निफिकेंट। कोई भी चीज़ सीखनी हो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है, आपकी हायर सेल्फ इस्टीम के लिए ज़रूरी है, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ले जाती है, आपका सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है, प्लेयर है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, आप लाइफ को इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लर्निंग के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लाइफ में आप इन हो जाते हैं, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। फिर आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है। अगर आप लर्निंग करते हैं, मुख्तलिफ स्किल लर्न करते हैं, तो आपके लिए नई एवेन्यूज ओपन होते हैं। ये आपकी फिनंशियल सक्सेस एंड फ्रीडम का भी जामिन है, आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस हो जाती है। और आप अगर किसी खास कोई आपकी स्किल है तो आप उसके ज़रिए सोसाइटी को, अपनी कम्यूनिटी को भी सर्व कर सकते हैं। आप के पास कोई स्किल है तो आप दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं लर्निंग के। कुछ चीज़ें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या याद रखने की चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखें, सीखने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। पैसा आपका इसमें लग सकता है, टाइम ऑब्वियसली आप देते हैं, आपकी तवज्जो फोकस चाहिए, और सबसे बढ़ के आपकी बर्निंग डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर जो आपको शदीद किस्म की ख्वाहिश लर्निंग के लिए
ये आपको मोटिवेशन फ्राहम करती है। क्या चीजें आप लर्न कर सकते हैं? आइडियाज हो सकते हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, सोचने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, नॉलेज है, लाइफ स्टाइल है, स्किल है, ये चीजें आप सीखते हैं। याद रखिए, सीखना हमेशा एक जॉयफुल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पेन इन्वॉल्व है, फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, कंफ्यूजन है, एंग्जाइटी है, हाईली अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। इन ऑर्डर टू लर्न यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये काफी अनकंफर्टेबल किस्म का प्रोसेस होता है। जब आप शुरू में आप बैठे हुए हैं, आप कोई चीज नहीं सीख रहे, या आपकी गो विद द फ्लो, आप एक लाइफ में हैं, पैटर्न में चल रही है लाइफ, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, या आपका कंफर्ट जोन है, या आपकी रूटीन है, आप उसी में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंफर्ट जोन। आप कोई नई चीज नहीं कर रहे। अब आप सोचते हैं कि मैंने स्विमिंग सीखनी है, या मैंने लॉन टेनिस सीखनी है, या कोई भी स्किल सीखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आपको टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप उस स्किल की सीखने की तरफ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको हर चीज एरियल लगेगी, ग्रीक लगेगी, एवरीथिंग वुड बी ग्रीक टू यू। आपको समझ नहीं आएगी, आप ऑकवर्ड महसूस करेंगे, आपके ऊपर शायद आपको ये प्रेशर होगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे ये नहीं खेलना आता, ये स्किल नहीं आती। आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो शुरू शुरू में जब आप ABC सीख रहे होते हैं, तो यू गो थ्रू दी स्टेज ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन। और उसके बाद फिर क्या होता है कि देन आप फिर इस प्रोसेस से जब आगे गुजरते हैं, कंफ्यूजन और सीखते जाते हैं, जब आप बेसिक लर्निंग जब आपकी कंप्लीट होती है, तो फिर आप का जो स्किल है वो भी आपके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाती है, यानी यू फील कंफर्टेबल इन विद द न्यू स्किल, और वो आपका कंफर्ट जोन जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। ये है सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। If you want to expand your limits, push them. Real comfort lies out of comfort zone. देखें, comfort zone के अंदर रहना है, आप कोई चीज नहीं सीखेंगे, कोई adventure नहीं करेंगे, कुछ नहीं। आप असल जो comfort है वो आप जब उस comfort zone को break करते हैं, उसके बाहर जाते हैं, uncomfortable होते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नए experiences gain करते हैं, you, और फिर आप वहां पे जिसको कहते हैं real comfort, that lies out of your comfort zone. लर्निंग प्रोसेस बोरिंग भी है, इट इज नॉट जॉयफुल, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह बोरिंग भी है, लेकिन उस वक्त ये इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप ABC उस स्केल की या उस आइडिया की सीख लेते हैं, तो देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, और दैट इज द थिंग, जब आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, तब आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं उस स्केल के साथ। देखिए, शुरू शुरू में जब आप इनएक्सपीरियंस होते हैं, आपने कोई चीज नहीं सीखी होती, यू गो फॉर द फर्स्ट डे, तो इनिशियली आपको आप कंफ्यूज होते हैं, आप ऑकवर्डनेस फील करते हैं, और आप लेकिन ये आपने जो शुरू वाला फेज है जो गुजारना है, उसके बाद आप जब सीखना स्टार्ट करते हैं, बेसिक लर्निंग आपकी मुकम्मल होती है, तो देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, देन मेक इट ए हैबिट टू अप्लाई इट इन डेली यूज। अगर आपने कोई गेम सीखी है तो उसको डेली करें, अगर आपने कोई स्किल सीखी है तो उसको अप्लाई करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें एक्सीलेंस की तरफ चले जाएंगे। सबसे बड़ी हर्डल क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हर्डल ये है कि इंसान को ये खौफ होना कि जब मुझे ये गेम नहीं आती या ये स्किल नहीं आती, तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, या मैं कैसे उसको फेस करूँगा। Fear of being judged as inexperienced and amateur. यानी आपको ये खौफ होता है कि दूसरे अगर आपके बारे में सोचेंगे कि इसको ये भी नहीं आता, या ये बड़ा अकवर्ड तरीके से ये चीज कर रहा है, तो ये है वो खौफ जो आपको रोकता है नई चीजें सीखने से। मेरे ख्याल में आपने इस खौफ को गो थ्रू करना है, इसको काबू, इसको ओवरकम करना है। देखें, पहली बात तो ये है कि people are not going to judge you. They have other things to do. आप को अगर कोई judge करता भी है, तो it is not their business, and अगर करता भी है तो you should face it. क्योंकि जो learning है वो worth, इस चीज के worth है कि आप
इस फियर से गुजरें, इस चीज को फेस कर लें. लेट अगर कोई ऐसा हो तो लेट देम लाफ, यू मे गो थ्रू दैट प्रोसेस. इस हर्डल को आपने अबूर करना, ये देखें ये हर किसी के लिए आती है, आपने इसको क्रॉस करना है. इतना एक आपको बोल्ड होना चाहिए कि आप इसको फेस कर सकें, इस फियर को आप काबू कर सकें, इस फियर को पास कर सकें, तब आप रियल सक्सेस की तरफ जाते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं, स्किल सीखते हैं. और जब आपको कोई गाइड कर रहा हो सकता है आपको गाइड करने वाला या आपको कहे कि आपको ये नहीं पता, या आप बड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं, या आप ऐसे खेलें, या गुस्सा भी करेगा, तो आपने फेस करना है, आपने अपनी पेस के ऊपर ट्रस्ट करना है. आप इन तमाम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को बर्दाश्त करेंगे, बट क्या करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है. आपको एक मोटिवेशन चाहिए. देखें मोटिवेशन कहाँ से आएगी. मोटिवेशन तब आती है जब आप जो स्किल सीख रहे हैं, या जो चीज पढ़ रहे हैं, या जो चीज सीख रहे हैं, आपको पता हो कि इसकी रेलेवेंस आपकी लाइफ के लिए क्या है, इससे क्या फायदा होगा. मसलन आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपको फील हुआ कि मुझे आईटी स्किल्स सीखनी चाहिए, और आप आईटी स्किल्स सीखते हैं, कंप्यूटर वर्क सीखते हैं, तो आप तब सीखेंगे जब आपके जहन में, आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि मुझे आईटी स्किल आएंगी तो मैं अपने काम में अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझसे खुश होगा. या अगर आप कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि ये मैं सीख गया तो मैं ज्यादा इंजॉय करूंगा अपनी लाइफ में, मेरे मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो हो सकता है आपका ये शौक हो कि मैं सेकंड सीखनी है. तो जितनी ज्यादा ख्वाहिश होगी, जितनी ज्यादा आपको ये लगेगा कि ये स्किल सीखना मेरी खुशी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं मेरी लाइफ के लिए बहुत अहम है, या मैं ज्यादा इंजॉय करूंगा इस गेम को या इस एंटरटेनमेंट को, तो फिर आप उसमें जाते हैं. आप कोई भी स्किल आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकती है, या इवन आप कोई ऐसी गेम सीख सकते हैं जैसा कि हॉर्स राइडिंग है, या जैसा कि स्विमिंग है, या कोई भी किसी किस्म की गेम है उसके रूल्स सीखने हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या इससे मुझे क्या खुशी मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, मुझे इससे क्या फायदा होगा. पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है. तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है, और वो आपको कन्विंस्ड होना चाहिए आपके माइंड में कि इससे ये फ़ायदा हो सकता है. फ़ायदा क्या हो सकता है, देखें कोई भी स्किल आप सीखते हैं उससे आपकी पर्सनल लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है. या आप फॉर द टाइम बीइंग आप एक गेम को सीखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप उस टाइम को इंजॉय करते हैं वो गेम खेलते हैं. एक्सप्लोर इन योर माइंड दैट व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ. क्या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आपके क्या डिजायर्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, क्या आप लाइफ में पैसा चाहते हैं, क्या आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, या आपका अपना कामयाबी का मैार क्या है. फिर आप जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, उन गोल्स से स्किल्स कौन सी रेलिवेंट है. देखें अगर आपने पैसा बनाना है तो आपको फिर मनी मेकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना होगा. अगर आपका मकसद यह है कि मैंने हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो फिर आपको गेम सीखना होगी. अगर आपका ये है कि मैंने एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो फिर उस प्रोफेशन से जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो आपको सीखना पड़ेगी. फिर एक और बात, हर बंदे की अपनी अपनी पेस है, हर बंदा अपने तरीके से सीखता है. अगर आप स्लो हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. मकसद यह है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हो, तो इट्स ओके. बी पेशेंट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड अगर आप स्लो लर्न कर रहे हैं. डोंट रश द लेसन, स्टॉप करें, रिलैक्स करें. अगर आप देखें आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपने टाइम निकाला, आप कोई स्किल सीखने के लिए किसी जगह पर पहुंच गए या कोई स्टेप ले लिया, देखें आप फिर भी दुनिया के बहुत सारे लोगों से बेहतर है, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लेके आप अपने घर से निकल के या अपने घर के अंदर उस जगह पे पहुंच के जहां पे आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो आप ये सिर्फ सिंपल स्टेप उठाने से बहुत सारे लोगों से बेहतर निकल रहे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहे.
तो आप कम से कम एक मेजोरिटी ऑफ लोगों से बेहतर हो गए कि आपने कम से कम उस जो कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक कर लिया, तो दिस इज आल्सो एन अचीवमेंट। फिर आप उस स्किल की सीखते हुए छोटे छोटी कामयाबियों को भी, छोटे छोटे स्टेप्स अगर आपने अबूर किए हैं तो उनको सेलिब्रेट करें। आप सबके पास अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी स्किल है, यू ऑल आर डिफरेंट, सो बी एट पीस विद योर सेल्फ व्हाइल लर्निंग समथिंग न्यू। एक्सेप्ट योर ओन पेस, डोंट रश, सेपरेट द कंटेंट, सेपरेट द लेसन, स्मॉलर पोर्शन में करें उनको और उनको वन बाय वन आगे लेके चले। फिर आप एक स्किल को सीखते हैं, उसको इंटरनलाइज करें, रिलैक्स करें और उसको सीखें। जब आप एक स्किल सीख जाएं, उसको अपनी लाइफ में जब अप्लाई करें तो आप वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। वो ऐसा लगेगा जैसे आप ऑटोमेटिकली वो कर रहे हैं, ऐसे लगेगा जैसे वो आपकी सेकंड नेचर है। दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है, पूछा है कि उनकी किसी भी काम में तरक्की का राज क्या है, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये था कि हमने गलतियां की हैं, मुख्तलिफ तरीकों से काम किए हैं और अपनी गलतियों से सीख के बार बार किया है, रिपीट किया है, डिफरेंट तरीके से किया है, तो हमें कामयाबी मिली है। लेकिन अल्लाह ताला का हाथ भी उसके साथ होता है जो कोशिश कर रहा होता है। अगर आपको एक तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही तो यू चेंज द मेथड। बिजनेस में भी यही होता है, दुनिया में जितने भी कामयाब बिजनेस मैन है सब ने ज्यादा गलतियां की होती हैं, डिफरेंट तरीके से किया होता है, तो उनको ये दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर किस्म का मेथड है कि हिट एंड ट्रायल, डिफरेंट तरीके से ट्राई करें, नाकाम हो सीखें, अच्छा इस तरीके से नाकाम हुए तो डिफरेंट तरीके से करें। अगर आप किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर आप एक चीज करते हुए 1000 दफा नाकाम होते हैं तो आप ये सीखते हैं कि ये 1000 दफा कि ये इन 1000 टाइम्स से मैंने इन मेथड से ये काम नहीं करना, तो यू ट्राई डिफरेंट मेथड। तो इस तरीके से आप सीखते हैं और जब आप रिपीट करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट मेक्स यू द परफेक्ट मैन। विद प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन यू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स एंड फीचर्स Which no other source can make you learn. Practice is the best teacher. सबसे बेहतरीन टीचर आपका आप खुद है। टीचर की अहमियत है, मेंटोर की अहमियत है, लेकिन असल लर्निंग जो है वो वही है कि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद गलती करेंगे, तो वो जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो उस तरीके से आएगी, खुद प्रैक्टिस से आएगी। क्लासरूम की बात करते हैं, आपको अगर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में, टीचर पढ़ा रहा है, तो मसला क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि हम मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, हम फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन में या तो कहीं पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं या कहीं और घूम रहे होते हैं। तो ये जब हम इमेजिनेशन में होते हैं तो क्या होता है कि हमारा और हमारे इंस्ट्रक्टर का एक दरमियान में कर्टन हायल हो जाता है, हम सुन नहीं रहते को क्या कह रहा है। तो You should try to be mentally present. कोई भी स्किल सीखते हुए आपका सबसे बड़ा आर्ट ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट में रखें, और खुशी का भी असूल यही है कि जितना आप प्रेजेंट में रहते हैं उतना आप सीखते हैं। अच्छा, कुछ टिप्स हैं कि आप कैसे प्रेजेंट रह सकते हैं, कैसे आप पास्ट या फ्यूचर से निकल के अपने हाल में जी सकते हैं और कैसे आप ज़्यादा सीख सकते हैं। सबसे पहला असूल ये है कि आप तमाम किस्म की डिस्ट्रक्शन से दूर रहें, मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, आपके जो बडीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे दूर बैठें और टीचर के या मेंटोर के या इंस्ट्रक्टर के करीब जाके बैठें, नोट्स लें, सोचें, क्वेश्चन करें, इंगेज द टीचर, इंगेज द इंस्ट्रक्टर एंड शो योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। Remember that no question is stupid question. अगर आपके जहन में कोई confusion है तो उसको question की शक्ल में पूछ लें। Keep in mind that you will not be judged by the questions you ask. आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये question पूछूंगा तो लोग judge करेंगे कि इसको ये भी नहीं पता। Be bold enough to speak your mind and get the confusion clarified. Don't be a backbencher. कोशिश करें कि आप के दरमियान डिस्ट्रैक्शन ना हो,
आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर अलाउ हो तो, एंड गो थ्रू द रेलेवेंट मटेरियल और कंटेंट वन डे प्रायर टू द लेक्चर, ताकि आपको पता हो कि अगले दिन हमें क्या पढ़ाया जाना है, क्या डिलीवर होना है. थ्योरी एंड प्रैक्टिस को मैच करें. जब आप एक प्रैक्टिकल चीज कर रहे हैं, एक कोई काम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, उसकी थ्योरी के साथ भी अटैच रहे, क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो मिक्सचर है, दैट इज द परफेक्ट नॉलेज, दैट इज द परफेक्ट एक्सपीरियंस, दैट इज द परफेक्ट लर्निंग. तो आपने प्रैक्टिकली जब कोई चीज कर रहे होते हैं, तो उसकी थ्योरी के साथ भी आप करें. आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको जरूर स्टडी करते रहें, और अपने इंफॉर्मेशन को, अपने स्किल्स को अपडेट रखें. अब हम बात करते हैं CSS PMS के कुछ कंसेप्ट्स की या फैक्ट्स की. कैसे आपने पढ़ना है, क्या कैसे आपने अपनी लर्निंग को बेहतर करना है. इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम मोड्स ऑफ लर्निंग जो है उसको यूटिलाइज करें, रीडिंग भी करें, लिसनिंग भी करें, ऑडियो विजुअल पे, इंटरनेट पे जो वीडियोज अवेलेबल हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में, उनको भी देखें, राइटिंग करें और स्पीकिंग. ये मोड्स हैं जिनसे आपने सीखना है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रीडिंग में अच्छा समझते हैं, कुछ लिसनिंग के लिए अच्छे होते हैं. आपके हर बंदे की, हर स्टूडेंट की डिफरेंट किस्म की स्किल्स होती हैं कि कहाँ से कौन ज़्यादा लर्न करता है. लेकिन अगर आप इन तमाम को कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट है. आप को कोई ना कोई तरीका इसमें से हिट कर जाएगा. मेरे ख्याल में आपको ये तमाम तरीके आजमाने चाहिए. फिर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें. आप अपनी जिंदगी के जो 24 आवर टाइम है, आपका एक यूनिट जो है टाइम का, वो है 24 आवर टाइम, डे, वन डे दैट कंप्राइजेस 24 आवर्स. उस उन 24 आवर्स को आप डिवाइड करें. जल्दी सोएं, जल्दी उठें. 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बेस्ट है. कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटों में 20 घंटे कोई काम करें और 18 घंटे काम करें. तो उसमें 8 से 10 घंटे अगर आप अपने स्टडी को देते हैं, दैट इज इनफ. इससे कम भी आप 6-7 घंटे, दैट इज आल्सो द रीजनेबल टाइम. एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, कोई गेम करनी है वो भी आप कर सकते हैं. अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आए. सबसे पहली चीज कि सुबह जल्दी उठें, सनराइज से पहले उठना चाहिए. अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो सूरज को अपने से पहले ना जागने दें. और फिर सनराइज से लेकर 1 PM तक आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप जॉब नहीं करते. और उससे पहले, सनराइज से पहले पहले आप प्रेयर, आप वॉक, एक्सरसाइज, या सनराइज के बाद आप जो ब्रेकफास्ट है वो कर सकते हैं. एंड देन यू मे स्टार्ट विद योर रूटीन ऑफ स्टडी. आप अराउंड 1 PM से 3 PM तक लंच ब्रेक ले सकते हैं और प्रेयर एंड शॉर्ट स्लीप. 3 PM से 5 PM तक का आपका स्टडी टाइम का एक ब्लॉक बन जाता है. फिर 5 PM से सनसेट तक आपका इवनिंग स्पोर्ट्स का या प्रेयर्स का या डिनर का, इस टाइम को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. अब मुझे नहीं पता कि ये जो टाइम है, ये आप अपने हिसाब से इनको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में, गर्मियों में टाइमिंग आगे पीछे जाती है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरीके से आप अपना टाइम ला सकते हैं. 8 PM से 10 PM तक आप स्टडी करें और स्लीप अर्ली, अराउंड 10 PM यू शुड गो टू बेड. आपको रिवीजन की बार बार जरूरत पड़ती है. एक आपने कंसेप्ट सीखा, एक टॉपिक, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसको समझा, उसकी एक तो रिवीजन आपने इमीडिएट करनी है, दूसरी रिवीजन उसके नेक्स्ट टाइम ब्लॉक में करें. मतलब अगर आपने कोई चीज 1 बजे से पहले तैयार कर ली है, तो उसको अगले टाइम ब्लॉक जो स्टडी का है, लाइक 3 PM से 5 PM तक अगला टाइम ब्लॉक है, उसमें जरूर रिवाइज कर लें. तीसरी जो रिवीजन है वो आप करेंगे उसको नेक्स्ट डे में 24 आवर के बाद. चौथी रिवीजन आप कोई भी दिन, लेट से संडे आपने मखसूस कर लिया कि आपने हर संडे को पिछले पूरे वीक की रिवीजन करनी है, जो कुछ आपने पढ़ा है, उस एक दिन को आप ऐसा रखें कि इस दिन मैंने जो कुछ पिछले 6 दिनों में पढ़ा उसको रिवाइज ही करना है. तो इस तरीके से भी आप एक दिन को रिवीजन डे कर बना सकते हैं. और ये स्लीप है,
देखें ये जो 7 से 8 घंटे की स्लीप है ये बहुत जरूरी है। आप इसको यूं समझें कि ये 7 से 8 घंटे भी आपकी स्टडी के ही काउंट होते हैं, क्योंकि आपने जो कुछ जन्म में पढ़ा होता है आप सो जाते हैं तो सोते हुए आपका माइंड रजिस्टर करता है उनको, उनको कलेक्ट करता है, उनको संभालता है, उनको प्रॉपर उनके विंडोज में रखता है कि ये इंफॉर्मेशन मैंने किस जगह पे रखनी है, किस तरह इसको जनरलाइज करना है, किस तरह इसको कंपार्टमेंटलाइज करना है। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो कुछ आपने सीखा होता है एक दिन में, उस सारी इन्फॉर्मेशन को जब आप सो रहे होते हैं और अच्छी नींद ले रहे होते हैं तो उस टाइम वो आप इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में प्रॉपर स्टोर हो रही होती है, सेव हो रही होती है। आपने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज को यूज करना है, ऑब्जर्वेशन को, इमेजिनेशन को, लर्निंग फैक्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, इंटेलिजेंट क्रैमिंग। क्रैमिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कोई अगर किसी बुक में से कोई रेफरेंस देना है तो आपको वही कोट एंड कोट तक वो पूरा का पूरा आपको क्रैम्ड होना चाहिए। तो क्रैमिंग इज नॉट बैड, इंटेलिजेंट क्रैमिंग इज गुड। आपने किसी शेर को कोट करना है, कोई पोएटिक वर्स लिखनी है तो आपको उसी तरह, किसी की कोटेशन लिखनी है तो आपको इस तरीके से जरूरत पड़ सकती है। ब्रीफ नोट्स बनाए सर्कल के अंदर, उसके एंगल मुख्तलिफ, उसकी जो पेरीमीटर है सर्कल में, जो उसका दायरा है उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट लिख सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। ट्राइंगल बना के आप अपने नोट्स में पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक ट्री की ब्रांचेस बना के आप मुख्तलिफ हेडिंग्स, मुख्तलिफ उस टॉपिक की कॉजेज इफेक्ट्स या सजेशन जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस की शक्ल में डाल सकते हैं। यानी आपने कोई ना कोई ऐसे मैप्स बनाने हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपके नोट्स तैयार हों। बॉक्सेस बना के आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं अपने नोट्स में, डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, और आप अगर कोई हेडिंग्स हैं एक टॉपिक की तो उस टॉपिक उस हेडिंग्स का आप अब्रीवेशन बना सकते हैं, ताकि आप कोई अपनी अब्रीवेशन बनाए जो कि आपको याद रहे। सिलेबस को प्रायोरिटाइज करें, आप 1 से 2 बुक्स ले लें किसी भी सब्जेक्ट की, वो सारी की सारी जो भी सिलेबस को कवर करती हैं उसको एक कैजुअल रीडिंग लें। लेट्स से आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसका जो भी सिलेबस है उसके मुताबिक जो उसका कंटेंट अवेलेबल सारे एक दफा सामने रखें, और जो भी उसका रेलेवेंट कंटेंट है, 1 बुक से लिया 2 बुक से लिया या आपने कुछ नेट से प्रिंट लिए हुए हैं, तो उन तमाम मटेरियल्स को आप एक दफा गो थ्रू करें कैजुअल रीडिंग में, जस्ट टू हैव ए फेयर आइडिया। और ये मेरे ख्याल में आप 1 to 2 वीक्स में सारा का सारा एक कैजुअली उसको रीडिंग दे दें। कोई चीज समझ आती है नहीं आती, जस्ट कीप गोइंग। अब आपने एक दफा आइडिया ले लिया कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, इससे जो कैजुअल रीडिंग का फायदा जो होगा आपको एक दफा स्लाइटली आइडिया हो जाएगा, फेयर आइडिया हो जाएगा कि इस सिलेबस में है क्या 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 चीजें शामिल हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप पास्ट पेपर देखेंगे। पास्ट पेपर में आप कैटेगरी ए का सिलेबस आपका क्या है कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2 या 2 से ज्यादा दफा पूछे गए हैं वो आपको कैटेगरी ए का सिलेबस है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को तैयार करना है, देन आपने तैयार करना है अगली प्रायोरिटी में कैटेगरी बी का। कैटेगरी बी का मतलब ये है कि जो 1 टाइम आस्क क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, और जो ये आपने तैयार कर लिया, इसके बाद तीसरा जो है वो रिमेनिंग सिलेबस जो है उसको कैटेगरी सी में आपने रखना है, उसको कैटेगरी सी में तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्कवर हाउ योर माइंड वर्क। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, अपनी अपना अपना अंदाज है, उसका माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है। यू शुड बी ओके विद दैट, यू शुड बी एट पीस विद योर ओन वे ऑफ माइंड वर्क, कैसे आपका माइंड काम करता है, यू शुड बी ओके विद दैट। दूसरों से सीखें जरूर, लेकिन अपना स्टाइल फॉलो करें और रिलैक्स रहें जब आप स्टडी कर रहे हो। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, योर माइंड विल फाइंड वेज दैट वर्क फॉर यू, ट्रस्ट योर माइंड। आपका माइंड बहुत पावरफुल चीज है, अल्लाह ताला ने आपका माइंड बहुत परफेक्ट तरीके से बनाया है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपका माइंड ज्यादा काम कब करता है, जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कभी भी जो है प्रेशर ना लेके आए अपने ऊपर, और प्रेशर आपको कब नहीं आएगा, जब आप डे 1 से तैयार कर रहे होंगे अपने टॉपिक्स को, डे 1 से तैयारी शुरू कर दी होगी। इसलिए स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1, और ऐसा ना हो कि आपने इम्तिहान से पहले वाले जो आखिरी दिन होते हैं, 1 हफ्ता है 2 हफ्ता है, उनके लिए
ज्यादा चीजें ना छोड़ें, आपकी जो प्रेपरेशन है वो एग्जाम से एक महीना पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए और एक महीना आखिरी जो है वो आप रिवीजन को दे दें। तो जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स होने का स्पेस देंगे उतना ज्यादा ये एफिशिएंटली काम करेगा। मदर ऑफ ऑल टिप्स, टीच अदर्स, शेयर योर नॉलेज। जब इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि शेयरिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर फिर डिवाइन हैंड आ जाता है। जब आप कोई चीज शेयर करते हैं वो बढ़ती जाती है। दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस। आप कोई नई स्किल जरूर सीखें अपनी लाइफ में। आपका थिंकिंग फास्ट, ये भी एक स्किल है, थिंकिंग रेलेवेंट और बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन वन्स माइंड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा तेज सोचते हैं, क्विक सोचते हैं, उनका माइंड की प्रोसेसिंग बड़ी तेज होती है। आप भी ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इनका माइंड ये काम करता है कि आपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपकी लाइफ स्किल है। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, हैप्पी नजर आते हैं, जिंदगी में वो स्ट्रेस नहीं लेते, वो लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, वो बहुत ज्यादा काम होते हैं, ये भी कैसे स्किल है जो आप सीख सकते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये भी आप सीख सकते हैं। कोई भी आप स्किल, कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट, वो आप सीख सकते हैं। गाड़ी कैसे चलानी है, ये स्किल आप सीख सकते हैं। न्यू गेम सीखनी है, स्विमिंग है, पेंटिंग है, आप हर चीज जो है वो सीख सकते हैं। अगर आपने माइंड बना लिया तो आप सीख सकते हैं। लास्ट वर्ड्स, नेवर क्विट लर्निंग, इट विल ऐड टू द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड जो लर्निंग करते रहते हैं, और लर्निंग का जो प्रोसेस है ये मरते दम तक रहता है। जब आप नई नई चीजें सीखते हैं तो लाइफ में आप इन रहते हैं, आपका जो टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम होता है। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।